प्रदेश में बढ़ते अपराध का आलम यह है कि अब बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सिवान के महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय का है, जहां बदमाशों ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बोला। आपको बता दें कि पीड़ित पत्रकार राजेश अनल ने कुछ लोगों की गलत गतिविधियां देखकर उनका विरोध किया, तो उन्होंने पत्रकार पर ही हमला बोल दिया। मैं चला गया प्रधान आंकड़ा को आगे बढ़ाने, प्रधान आंकड़ा को आगे बढ़ाया, बाइक घुमाया तो पीछे से चाकू मार दिया, मेरे दो जगह चाकू लगी है। कौन था चाकू मारने वाला? सब्बू सिंह का एक बेटा है थाना। वहीं स्थानीय लोगों ने राजेश को आनन फानन में सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज कर घाव की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित को पटना रेफर कर दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सिवान से निरंजन कुमार की रिपोर्ट।